आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्रेक द चेन अंतर्गत दो आदेश निकाले हैं, एक आदेश 4 तारीख को निकला था और एक 5 तारीख को निकला है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो दो आदेश निकाले, ये आदेश राज्य के माननीय मुख्य सचिव इनके सिग्नेचर से निकले हैं। मैं इसमें ये आदेश के जरिए मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधा दी, इसका बेसिक उद्देश्य है कि आम नागरिकों को इससे सुविधा हो जाए। कोरोना की चेन ब्रेक करने का मुद्दा मद्देनजर रखते हुए लोगों को, आम नागरिकों को सुविधा मिल जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो चीज़ें शुरू रहेंगी उसमें बेसिकली अत्यावश्यक सुविधा, इसमें ऑल हॉस्पिटल्स, देन मेडिसिन शॉप्स और जो मेडिसिन प्रिपेयर करने वाले उद्योग है वो शुरू रहेंगे। इसमें पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी भी आ गई जो टेस्टिंग का काम करती है, देन किराना माल की दुकानें, भाजीपाला की सभी दुकानें, उसमें मंडी भी आ गई, दूध डेयरी, बेकरी और खाद्य की दुकानें। आप देख रहे हैं एमसन समाचार, मैं हूँ सिराज सौदागर। अभी हम चिश्तिया कॉलोनी के एरिया में आए हुए हैं और यहाँ पर जो केक की दुकानें हैं उनकी दुकानें बंद है। आइए जानते हैं उनको क्या तकलीफ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख निसार है। क्या दिक्कत आ रही है आपको? अभी दिक्कत तो ये सब चालू है, देखो हालांकि पूरे गाड़ियाँ चालू है, सब चालू है। प्रशासन से हमारा ये है कि भाई हम भी पार्सल देंगे और हमारे जो वर्कर लोग हैं वो भी खाली हो गए, हालांकि दूसरे काम पूरे चालू है, बांध काम ये वो। अगर प्रशासन के जो रूल्स है हम वो रूल्स के हिसाब से हमारी बिक्री चलेंगे। जितना डिस्टेंस बोले आप, डिस्टेंस के हिसाब से जो कॉपरेट करना चाहिए हमारे से, जितना कॉपरेट हो सका उतना पूरा कॉपरेट करेंगे हम। क्या दुकान का, आपकी दुकान का नाम क्या है? मेरी दुकान का नाम है फ्रेश बेकर्स। कितने लोग काम करते हैं आपकी दुकान? हमारे पास 8 लोग काम करते हैं। अभी मतलब 8 लोग भी बेरोजगार हैं और आपकी भी दुकान बंद है? आपकी भी दुकान है? क्या नाम है आपकी दुकान का? जेड बेकर्स। आपके पास कितने लोग काम करते हैं? 8 बच्चे। क्या दिक्कत आ रही है? खाली है पूरे, पूरे बच्चे बेरोजगार है अभी। मतलब किसी को कोई अभी धंधा पानी नहीं होने की वजह से हर किसी को प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सोशल डिस्टेंस ले लो भैया और थोड़ा साइड में हो जाओ। क्या नाम है आपका? फिरोज खान। मेरा नाम आपकी 4-5 बेकरी है। कितने लोग काम करते हैं? मेरे पास 10 लोग, 10 से 15 लोग। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है भाई, ये बोल रहे कि भाई बेकरी आइटम चालू रहेगा। अच्छा, अब बेकरी के अंदर हम लोग भी आते, बेकरी चालू रहेगा, बेकरी के अंदर हम भी आते, उसके अंदर जब हम बेकरी अगर चालू रखते हैं, शटर चालू रखते, पुलिस वाले आते, चलो बंद करो, उठा के लेके चल देंगे। तो इसका क्या है? ये मेरे पास प्रोसीजर भी है कि दुकान कौन सी चालू है, कौन सी बंद है, ये कब तक हमारे वर्कर के, हम परेशान हैं। इसमें अलॉट क्या है कि भाई ये चालू रहेगा, वो चालू रहेगा, फिर हमारे को तकलीफ क्यों? तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करना चाहते हैं हम कि हमारे कारोबार चालू रहना। कब तक हम परेशानी उठेंगे? कितने दुकानें हैं यहाँ पे बेकरी के? टोटल बेकरी की दुकान एक बाबा बेकर्स है, एक जेड बेकर्स है, एक मतलब 25-50 के करीब 20-21 है। मतलब 200-100 लोग बेरोजगार हो गए। 20-21 लोग दुकानों के अंदर, एक एग्जाम 10-10 आदमी भी पकड़े तो कितने लोग होंगे? सोशल डिस्टेंस ले लो, कितने हो गए? 10 आदमी भी पकड़े तो आज कितने लोग होंगे? अब ये तो इनको संभाल के हम क्या करेंगे? तो यहाँ के जो केक की दुकान है इनकी यही मांग है, जैसा बेकरी के आइटम्स चालू है, पार्सल सुविधा चालू है, ये भी पार्सल ही देते हैं, और सरकार से इनकी यही मांग है कि इनके भी दुकानें चालू हो, इसीलिए ये इतने लोग परेशान हैं। मैं सिराज सौदागर, कैमरा मैन शेख मुख्तार के साथ, देखते रहिए एमसन समाचार।